आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसा ज्वेलरी ब्रांड है जो आपको आपके सपने की ज्वेलरी के बारे में बताता है, चाहे वो शादी हो या कोई त्योहार। कल्याण ज्वेलर्स ने भारत में ज्वेलरी का एक नया अंदाज लाया है और आज यह एक विश्वव्यापी ज्वेलरी ब्रांड बन गया है। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स का सफर इतना आसान नहीं था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल्याण ज्वेलर्स के फाउंडर ने कैसे अपना छोटा सा शॉप शुरू किया और कैसे इन्होंने विदेशों में अपना नाम बनाया। हमने इस वीडियो को 5 चैप्टर में डिवाइड किया है। अगर आप भी एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए और कल्याण ज्वेलर्स की अद्भुत कहानी का आनंद लीजिए। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिल सके। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पीएस कल्याण रमन ने एक साधारण शॉप से शुरुआत की और कैसे इन्होंने गुणवत्ता और विश्वास पर बल दिया। हम जानेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने व्यवसाय को विकसित और विस्तारित किया और कैसे इन्होंने कल्याण ज्वेलर्स को एक भरोसेमंद और प्रसिद्ध ब्रांड बनाया। पीएस कल्याण रमन का जन्म 1951 में केरल के त्रिशूर में हुआ। इनका परिवार एक सोनार था जो पीढ़ियों से सोना चांदी का काम करता था। इनके पिता टीएस सीतारमैया ने 1956 में अपना पहला ज्वेलरी दुकान खोला था, जिसका नाम अंजलि ज्वेलर्स था। ये अपने दुकान में गोल्ड सिल्वर के अलावा मोती और हीरे बेचते थे। टीएस कल्याण रमन ने अपने पिता से सुनार का काम सीखा और उनके साथ ही काम शुरू किया। इन्होंने पिता की मदद से ज्वेलरी बनाने और बेचने का हुनर सीखा और कस्टमर्स के साथ अच्छा संबंध बनाया। अपने कस्टमर्स को हमेशा गुणवत्ता दिया और विश्वास का वादा किया और इन्होंने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। टीएस कल्याण रमन ने 1993 में अपना पहला खुद का दुकान खोला, जिसका नाम कल्याण ज्वेलर्स था। इन्होंने इस नाम को अपने पिता के नाम से लिया। अपने कस्टमर्स को ज्वेलरी के साथ एक बिल दिया, जिसमें गोल्ड सिल्वर का रेट, मेकिंग चार्ज, वेस्टेज चार्ज आदि लिखे होते थे। इस तरह से इनके कस्टमर्स को पता चलता था कि वो कितना पैसा किस प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं। टीएस कल्याण रमन ने इस तरह से अपने कस्टमर्स को एक नई सुविधा दी जो इन्हें दूसरी ज्वेलरी दुकानों से अलग कर देती थी। अपने कस्टमर्स को हमेशा गुणवत्ता दिया और विश्वास का वादा किया और कस्टमर्स को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। टीएस कल्याण रमन ने इसके बाद अपने व्यवसाय को विकसित और विस्तारित करने का फैसला किया। केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब में भी अपनी दुकानें खोली। इन्होंने भारत के अलावा दुबई, कतर, कुवैत, ओमान में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई। इन्होंने हर जगह अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट वैल्यू प्रदान किया। टीएस कल्याण रमन ने इस तरह से अपने व्यवसाय को एक साधारण शॉप से एक बड़ी ज्वेलरी ब्रांड तक ले गए। इन्होंने कल्याण ज्वेलर्स को एक भरोसेमंद और प्रसिद्ध ब्रांड बनाया जो आज भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने व्यवसाय में एक नई दिशा लाई। इन्होंने देखा कि भारत में शादी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसमें ज्वेलरी का एक बड़ा रोल होता है। शादी में दुल्हन और दूल्हा दोनों ही अपनी शादी के दिन सबसे सुंदर और आकर्षक दिखना चाहते हैं और इसके लिए वे अपनी ज्वेलरी को बहुत सोच समझ कर चुनते हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने इस बात को समझा और अपने कस्टमर्स को हर प्रकार की शादी में ज्वेलरी का विकल्प दिया। अपने कस्टमर्स को गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, मोती, प्लेटिनियम के अलग अलग ज्वेलरी दिए। अपने कस्टमर्स को अलग अलग शैली और परंपरा की ज्वेलरी दिए, जैसे कुंदन, पुल्टी, मीनकारी, मंदिर, एंटीका दिए। अपने कस्टमर्स को अलग अलग बजट की ज्वेलरी दिए, जैसे ब्राइडल सेट, सॉलिटेयर, कॉकटेल अंगूठी। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने कस्टमर्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं दिए, बल्कि इन्होंने अनोखे डिजाइन और चुनिंदा संग्रह पेश किए जो इनके कस्टमर्स के व्यक्तित्व और स्टाइल को दर्शाता है। इन्होंने अपनी ज्वेलरी में भारत की संस्कृति और इतिहास को जीवित किया जो इनके कस्टमर्स को गर्व का आनंद देता है। कल्याण ज्वेलर्स ने इस तरह दुल्हन के सपने सजाए और इन्होंने हर प्रकार के शादी के लिए ज्वेलरी का विकल्प दिया। अपने ज्वेलरी को एक कला का रूप दिया जो इनके कस्टमर्स को आकर्षित और प्रसन्न किया। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने व्यवसाय में एक नई दिशा लाई जो थी इंटरनेशनल मार्केट। इन्होंने देखा कि भारत के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ज्वेलरी से प्यार करते हैं और उन्हें अच्छे और विश्वसनीय ज्वेलरी की तलाश थी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना लोग इनके ज्वेलरी को दुनिया भर में पहचाने और क्यों ना एक नया और बेहतर विकल्प दे। इन्होंने इसके लिए 2013 में दुबई में अपना पहला विदेशी शॉप खोला। इन्होंने दुबई में अपना दुकान इसलिए खोला क्योंकि दुबई एक ऐसा शहर है जहां लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और वो गोल्ड सिल्वर का
बहुत शौक रखते हैं। दुबई में अपने कस्टमर्स को भारतीय ज्वेलरी के अलावा अरबी और पश्चिमी ज्वेलरी भी दी है। अपने कस्टमर्स को 22 कैरेट और 18 कैरेट की गोल्ड, पेंटेनियम, डायमंड, मोती आदि प्रदान करके अलग अलग ज्वेलरी दी है। दुबई में अपने कस्टमर्स को ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और व्यक्तिगत सेवा प्रदान की। अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज परामर्श, अनुकूली डिजाइन और होम डिलीवरी जैसे सेवाएं दी। इन्होंने दुबई में अपने कस्टमर्स का दिल जीत लिया और इन्होंने अपने कस्टमर्स को लॉयल बनाया। इन्होंने दुबई में अपने बिजनेस को सफल बनाया और इनका टर्नओवर 2019-20 में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इन्होंने इसके बाद और भी देशों में अपना विस्तार किया। इन्होंने कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रिटेन में भी अपनी दुकानें खोली। इन्होंने विदेशों में अपने कस्टमर्स को अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन के अनुसार ज्वेलरी पेश किया। इन्होंने विदेश में अपने कस्टमर्स को ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और व्यक्तिगत सेवा दी। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने व्यवसाय में एक नई दिशा लाई जो थी भविष्य की तैयारी। इन्होंने देखा कि ज्वेलरी का बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है और इन्हें अपने कस्टमर्स की नई और बदलती जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करना है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने ज्वेलरी को और भी विविध बनाया जाए और इन्हें एक नया और बेहतर विकल्प दिया जाए। कल्याण ज्वेलर्स इसके लिए अपने ज्वेलरी में नए ट्रेंड और टेक्नोलॉजी को शामिल किया। इन्होंने इस तरह से अपने कस्टमर्स को नई और बेहतर ज्वेलरी का विकल्प दिया जो इनके कस्टमर्स के बजट के अनुरूप थे। इन्होंने अपने कस्टमर्स को हर मौके, हर मूड और हर आउटफिट के लिए मैचिंग ज्वेलरी दी है। इनके कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग, होम ट्रायल जैसी नई सुविधा दी। इन्होंने इस तरह से अपने भविष्य के लिए योजना बनाई जिसमें विस्तार और विविधता शामिल है। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने व्यवसाय में एक नई दिशा लाई जो थी मार्केटिंग। इन्होंने देखा कि ज्वेलरी के बाजार बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी है, इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने ब्रांड को एक पहचान और एक कहानी बनाए जो इनके कस्टमर्स को आकर्षित करे। इन्होंने इसके लिए अपने ब्रांड के एम्बेसडर के रूप में प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज का सहयोग लिया। इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर, सिंगर को अपने ब्रांड का चेहरा बनाया। इन्होंने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, नागा अर्जुन, नागा चैतन्य को अपने ब्रांड का एम्बेसडर बनाया। इन्होंने कैटरीना कैफ, सोनम कपूर, पूजा हेगड़े को अपने ब्रांड का मॉडल बनाया। प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज के साथ अपने ब्रांड के लिए अनोखे और दिलचस्प एड बनाए। एड्स में इन्होंने अपने ज्वेलरी की सुंदरता और शैली को दिखाया और साथ ही अपने ब्रांड की कोर वैल्यू जैसे विश्वास, गुणवत्ता, परिवार को भी दिखाया। एड्स में अपने कस्टमर्स को एक संदेश दिया जो था विश्वास ही सब कुछ है। इन्होंने इस तरह से अपने ब्रांड की एक नई पहचान बनाई। इसके साथ ही ब्रांड की डिजिटल प्रेजेंस और सोशल मीडिया रिलेशंस को बढ़ाया। अपने ब्रांड के लिए एक वेबसाइट बनाया जहां पर इन्होंने अपने ज्वेलरी के बारे में सभी जानकारी दी, ऑनलाइन शॉपिंग, होम ट्रायल जैसी सुविधा दी। अपनी वेबसाइट पर अपने कस्टमर से फीडबैक और रिव्यू भी प्राप्त की। इन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर अकाउंट बनाया। इन प्लेटफॉर्म पर इन्होंने अपनी ज्वेलरी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया। इन प्लेटफॉर्म पर अपने कस्टमर से बातचीत की और अपने कस्टमर्स को ऑफर और छूट दी। कल्याण ज्वेलर्स ने इस तरह से अपने ब्रांड की डिजिटल प्रेजेंस और सोशल मीडिया रिलेशन को बढ़ाया जो इनके कस्टमर्स को अटैच करता है और इन्फॉर्म करता है। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे कल्याण ज्वेलर्स का सफर शुरू हुआ, कैसे इन्होंने दुल्हनों के सपने सजाए और कैसे विदेशों में अपना नाम बनाया और कैसे इन्होंने मार्केटिंग का जादू दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।